गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम साइंस की वर्कशीट 2 करेंगे। ठीक है, आज डेट है 7 अप्रैल। तो स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने क्या समझा था? पिछली वर्कशीट में हमने मिक्सचर के बारे में जाना था। मिक्सचर क्या होता है? जो आपकी नमकीन होती है वो एक तरीके का मिक्सचर है, क्योंकि उसमें देखा जाए तो किशमिश, बादाम, काजू या फिर पोटैटो चिप्स होते हैं, है ना? तो वो भी मिक्सचर है। अब जो नमक का और नींबू का पानी आप बनाते हो, ठीक है, गर्मियों में, वो भी एक तरीके का मिक्सचर है। चीनी का और पानी का जो घोल बनाते हो, वो भी एक तरीके का मिक्सचर है। लेकिन इनमें डिफरेंस है, जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, ठीक है। जो नमकीन है आपकी, वो कैसा मिक्सचर है? वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और जो नमक और चीनी का मैंने दिया, वो होमोजीनियस है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बाकी के दोनों में आप ना तो छानन विधि से उसको अलग कर सकते हैं, यानी कि आपने अगर एक बार पानी में नमक घोल दिया तो आप उसको छलनी से अलग नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसको देखने से ये बता सकते हो कि इसमें कुछ घुला हुआ है, ठीक है। तो जो हेट्रोजीनियस होते हैं उसमें अलग से जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखते हैं, ठीक है, और होमोजीनियस में नहीं दिखते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि नहीं भी दिखते हैं, बट वो एक अलग केस है, वो बाकी जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो समझाएंगे। अभी होमोजीनियस ये समझ लो कि जो दो पदार्थ आपस में मिले हैं ना, वो इस तरीके से मिल गए कि आप अलग अलग से उनको नहीं देख सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? होमोजीनियस की। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस है उनका, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन कह लो, ORS का घोल कह लो। अब यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बना के थोड़ा सा समझा देती हूँ वर्कशीट को, सो दैट कि आपको इजीली समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा? जो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि इसमें जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ घुले हुए होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। अब सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट, ठीक है। जिसकी मात्रा, अब क्या होगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि सोल्यूट कौन सा है और सोलवेंट कौन सा है? जिसकी मात्रा अधिक होगी वही सोलवेंट होगा। अब मान लो आपने क्या किया, चीनी और पानी का ही घोल बनाया, शुगर और वाटर का घोल बनाया। आपने क्या किया, शुगर ज्यादा ले ली और पानी का उसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी उसमें डाला, ठीक है। तो उसमें सोलवेंट क्या हो गया? उसमें शुगर हो गई, क्योंकि शुगर ज्यादा है। लेकिन अब पीने के लिए, यानी कि चाशनी बनाते हो, जब चाशनी बनाते हो तो एक तरह से क्या हो गया, चाशनी में तो सॉल्वेंट शुगर हो गई, लेकिन जब आपने चीनी का पानी बनाया गर्मियों में पीने के लिए, पानी में आपने चीनी को मिलाया, तो किसकी मात्रा ज्यादा है? पानी की ज्यादा है ना, और चीनी की कम है। तो जो वॉटर है, ठीक है, वो तो हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। और जो शुगर है वो हमारा क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, ओके। अब जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि वो लिक्विड ही होते हैं, ठीक है, जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल। लेकिन ये नेचर में ऐसे भी सॉल्यूशन पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? सॉलिड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं, ठीक है। सॉलिड का एग्जाम्पल अगर हम ले एलोए, एलोए की यहाँ पे बात करेंगे। एलोए क्या होते हैं? पिछली वर्कशीट में बच्चे ने पूछा था, एलोए दो धातुओं का मिश्रण होता है, ठीक है। जो आपकी ब्रास धातु होती है ना, वो मिलकर बनी होती है कॉपर और जिंक से, लेकिन आप देखने से नहीं बता सकते हो कि ये इससे मिलकर बनी हुई है। तो ये हुआ ना, मिश्रण हुआ, ठीक है। एलोए क्या हो गए? मिश्रण हुआ। कैसा? होमोजेनियस। तो इसको हम कह सकते हैं ये सॉल्यूशन है। कैसा? सॉलिड। अब गैस की बात करें, गैसियस फॉर्म में क्या है? जैसे एयर है, एयर भी तो एक तरीके से सॉल्यूशन है। किस किस का? यहाँ पे अगर आप देखें तो एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 78% होता है। और बाकी जो गैसेस हैं, दूसरा जो आप कह सकते हैं कि मेजर है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और बाकी जो छुटपुट अमाउंट में गैसेस रहती हैं, कार्बन, आर्गन, नियोन वगैरह, वो भी होती हैं। तो हमने लिक्विड, सॉलिड और गैस में देख लिया। अब बात करते हैं किसकी? इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टी किसकी देख रहे हैं हम? सोल्यूशन की, ठीक है। सोल्यूशन क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, स्मॉल होते हैं। कितना होता है इनका साइज? लगभग 1 नैनोमीटर, ठीक है। अब स्टेबल होते हैं,
ठीक है, यूनिफॉर्म होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिक्सअप रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना, अगर मैं मिश्रण की बात करूं, हेटरोजीनियस की बात करूं, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकते हैं। अब आपको जो बादाम है, काजू है, नमकीन की बात करें अगर हम, तो कहीं कहीं हमें छाट के, हम फटाफट छाट छाट के खा लेते हैं ना मोटी मोटी चीजें, तो वो स्टेबल नहीं होते। मतलब यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो सोल्यूशन है हमारे, क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, और इनके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए छोटे होने की वजह से जब इनमें से लाइट गुजारी जाती है, जब इनमें से लाइट गुजारी जाती है, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, और इसीलिए लाइट का पाथ दिखाई नहीं देता है कि लाइट कहाँ से जा रही है, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो, क्योंकि साइज छोटा होता है, तो यही हमारा पूरा का पूरा क्या है, वर्कशीट में दिया हुआ है। तो चलो अब एक बार वर्कशीट में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, तो देखो, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं से देने हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, सोल्यूशन के दो पार्ट मैंने बताया, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोलवेंट कौन सा है, जो ज्यादा है, ठीक है, जो क्वांटिटी में ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की, जो ओआरएस सॉल्यूशन होता है उसमें साल्ट और शुगर कम होता है, पानी ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं सोल्यूट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सो दे आर सोल्यूट, ये सोल्यूट हो गए, और पानी क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। अब जनरली मैंने आप लोगों को बताया कि ये जनरली तो लिक्विड, लोगों को लगता है कि लिक्विड ही होते हैं सोल्यूशन, बट ये सोलिड्स भी होते हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपका एलोए, ठीक है, मेटल्स ऑफ एलोए, एंड गैसीय सोल्यूशन में मैंने एग्जाम्पल दिया एयर का। ठीक है, क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और इनके थ्रू जब लाइट को पास किया जाता है, ठीक है, तो वो स्कैटर नहीं होती है, और स्कैटर नहीं होती है तो हम उसका पाथ भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और दूसरी बात, ना ही हम उनको छानन विधि से, यानी कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती छन जाती है ना, तो है तो चाय पत्ती भी एक तरीके का मिश्रण ही, लेकिन वो कैसा मिश्रण है, हेट्रोजीनियस है, और होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोल्यूशन, सोल्यूशन है क्या। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि सोल्यूशन क्या है। अब ये भी बताना है कि जो सोल्यूट है और वो सोलवेंट है, उसको डिफाइन करना है। फिर ये बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ये बताने हैं कि इनमें से कौन सा आपका सोलवेंट है और कौन सा सोल्यूट है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो कि अभी हमने डिस्कस की, एंड एक्सप्लेन करना है आपको लिक्विड सॉल्यूशन को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, लगता है व्हाट आर सॉल्यूशंस स्टेट विद एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। ठीक है, ए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दो से ज्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन के ही दो पार्ट होते हैं, कौन से, मैंने समझाया था, सोल्यूट और सोलवेंट, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो सोलवेंट कहलाता है। ए सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ वन और अ मोर सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। देयर आर टू पार्ट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज डिसॉल्व एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ अ सोल्यूट। किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, सोल्वेंट की, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है, ये जैसे एयर है, मिल्क है, वॉटर है, पेप्सी है, ह्यूमिड एयर है, सी वॉटर है, पोल्यूटेंट्स ये दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूट है, कौन सा सोल्वेंट है। तो देखो, एयर है, एयर में नाइट्रोजन डेफिनेटली क्या होगी, सोल्वेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि 78% होती है नाइट्रोजन, और बाकी जो गैसेस, आप कार्बन भी लगा लो, नियोन भी लगा लो, यहां पे लगाना चाहते हो, तो ये क्या होंगे, हमारे सोल्यूट होंगे। और स्टेट क्या है, गैसी नाइट्रोजन है और गैसी ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों की स्टेट क्या है, गैसियस है। मिल्क क्या होता है, मिल्क में बहुत सारा वाटर होता है और बाकी फैट्स, प्रोटीन, कैल्शियम एक्सेट्रा। वैसे मिल्क देखा जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये वाला पोर्शन हम बाद में देखेंगे, कोलाइडल बाद में देखेंगे, फिलहाल आप इसको यही मान के चलो। तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड में होते हैं ना जब इनको देखा जाए तो। वाटर जो होता है वो एक मिक्सचर नहीं होता है, वाटर एक कंपाउंड होता है, ये मैंने कंपाउंड लिख दिया है, कंपाउंड कर लेना इसको, ठीक है।
पेप्सी क्या होता है, पेप्सी में बहुत सारा वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो यहाँ पे हमारा क्योंकि ज्यादा पानी है तो ज्यादा जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और गैस इन लिक्विड, ये गैस होती है और ये लिक्विड में है। ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर में क्या होता है, ह्यूमिड एयर यानी कि जो नमी वाली एयर होती है तो उसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो एयर में ही वाटर वेपर्स होते हैं, तो एयर ज्यादा होती है, वाटर वेपर कम होते हैं, तो गैस इन गैस, ठीक है। सी वाटर, वाटर यहाँ पे साल्ट आएगा, इसको ठीक कर लेना, और यहाँ पे पता था पर सेकंड, यहाँ पे आप लिख लेना सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, क्योंकि ये जो घुले हुए होते हैं क्या रहते हैं, ये आपके इसमें घुले रहते हैं, मतलब पानी में घुले रहते हैं, पानी ज्यादा होता है ना सी वाटर में। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर में पोल्यूटेंट्स पूछा हुआ था यहाँ पे, तो जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं घुले हुए तो एयर में होते हैं, डस्ट पार्टिकल हो गए, चाहे जो हार्मफुल गैसेस होती हैं पोल्यूटेंट्स में वो आ गई, तो सॉलिड एंड गैस इन द गैसेस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, इसको एक बार ध्यान से कर लेना, ठीक है, अच्छे से इस टेबल को बना लेना इसी तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं ये होमोजेनियस, जो मिक्स सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, ये स्टेबल होते हैं नेचर में, इनका जो साइज होता है काफी छोटा होता है, इनको हम नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, ये लाइट को स्केटर नहीं करते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन इज अ लिक्विड इन विच ए सब्सटेंस हैज बीन कम्प्लीटली डिजोल्व, जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी उसमें जो सोल्यूट होंगे वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे, द सब्सटेंस कैन बी आइदर सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, अनदर लिक्विड भी हो सकते हैं, फॉर इंस्टेंस व्हेन यू डिजोल्व सॉल्ट इन वॉटर द सोडियम एंड क्लोरिन आयन्स आर कम्प्लीटली सेपरेटेड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द वॉटर मोलिक्यूल, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। एक और बात बच्चा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप, क्योंकि लाइव क्विज का, क्योंकि कल भी मैंने लाइव क्लास ली थी, आई होप सो सभी ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, लाइव या फिर जो भी आपकी क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस होंगी वो जो मैं लूंगी, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में सबसे पहले पोस्ट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन, तीन ही नोटिफिकेशन भेजता है यूट्यूब, तो वो मैं आपकी वर्कशीट के भेज देती हूँ, उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोगों को लगता है कि मैंने जानबूझ के आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना आपको कितना समझ में आया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके बच्चा, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।